यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मर्त्योर्मुक्षीयमामर्ताय। ओम धीरे से हाथ को रखिए। हरी ओम सभी को। मैम मेरी थैंक वॉइस यू अभी सो क्या मच जी, एक कॉल आ गया थैंक था, यू पता सो मच नहीं, जी। मैंने अभी हाँ जी, आपको ले आपकी देखा, आवाज पता नहीं चली मेरी गई। वॉइस चली गई। ठीक है, चलिए प्रणाम सभी को। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हमने पढ़ा था उसको, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने एक तो इमीडिएट इन्फेरेंस पढ़ा था, और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बता दिए थे कि किस प्रकार से आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और ये मैंने बोला था इसको आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाना है इसको, और जो जो इसकी कंडीशंस थी, जैसे हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, सब कॉन्ट्रेरी हो गया, और सब अल्टरनेशन, इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये सारी याद करने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो इसके ना एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं हमारे, है ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको पढ़ना है, मतलब ये याद करने वाला है सारा, ये किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हाँ जी, ये वाला देखता सबसे पहले, एक बार बता दीजिए आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आवाज सही आ रही है सभी को? यस मैम, आ रही है यस आवाज। यस, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन सम मैम मेन, स्क्रीन पे नहीं हो रही, अब किसी को नहीं हो रही क्या? नहीं मैम, हो नहीं, रही है, अब हो गई मैम। अच्छा देखो, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रपोजिशन दिया गया है सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, कि इसका हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टेड है वो क्या है, कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से कुछ लोग ईमानदार नहीं होते का खंडन किया जाता है, कि कॉन्ट्राडिक्टेड कौन सा है, किसके लिए, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं। ऑप्शन बी, सम मेन आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी ईमानदार हैं। ऑप्शन सी, नो मेन आर ऑनेस्ट, कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, के ऊपर के सभी। तो देखो, हमें क्या दिया गया है, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, हम उसको बना लेते हैं। हमें क्या बनाना था, एक जेड बनाना था, बड़ा सा जेड बोला था। ठीक है, तो ये हमारा ए था, ये ई था, ये आई था, और फिर ओ था। ठीक है, तो अब जो हमारे पास दिया गया है सम मैन आर ऑनेस्ट, ये कौन सा प्रोपोजिशन है हमारा, बताओ कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हाँ जी, नेगेटिव, हाँ हाँ पर्टिकुलर नेगेटिव। नेगेटिव है। पर्टिकुलर नेगेटिव है, यानी ये ओ है। ठीक है, ओ दिया गया है। फिर क्या है कि अब क्या बताना है कि इसका जो कॉन्ट्राडिक्टेड है वो क्या है। तो इसका ये होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा ए और ई के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारा कॉन्ट्रेरी होता है। ए आई और ई ओ के बीच का रिलेशन हमारा सब अल्टरनेशन है, और आई ओ का हमारा सब कॉन्ट्रेरी है, और ए ओ और ई और जो आई का रिलेशन है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे,
कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ए हो जाएगा। ए होता है हमारा यूनिवर्सल, क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव यहाँ पे दिया गया है, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, यानी 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सभी को, या एक बार फिर से क्लियर करवाऊँ जिसको नहीं समझ आया है तो? एक बार और समझा दीजिए मैम। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है ना। हाँ, हमारे पास बोला है ना क्वेश्चन कि कुछ लोग ईमानदार नहीं होते, कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको पहले ये बनाना आना चाहिए, जो कल मैंने बताया था ना स्केयर ऑफ अपोजिशन, तो आप इसको बना लेना। तो आप इसमें देखो कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट कहाँ है, वो हमारा ओ होता है तो वो यहाँ पर दिया गया है। तब आपको पूछा गया है कि इसके कॉन्ट्राडिक्टेड क्या है, क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टेड पूछा गया है, कॉन्ट्राडिक्टेड पूछा गया है ना। तो जो ए और ई, ओ का रिलेशन होता है और ई और आई का रिलेशन होता है, वो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जो कल हमने पढ़ा था ना, यस मैम। है ना, जो कल हमने पढ़ा था ना। एक बार मैं फिर से दिखाऊं आपको, तो ये देखो, यहाँ देखो, ए और ओ के बीच में जो रिलेशन है और ई और आई के बीच का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हमें ओ दिया गया है तो ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी ए होगा, यानी ए क्या स्टेटमेंट होता है हमारा, यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी समझ आया आपको? जी मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ना, फिर और ज्यादा क्लियर होगा आपको। हाँ, तो ये बोलते हैं हमारे, इफ टू प्रपोजिशंस आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, ऑल्दो दे मे बी फॉल्स टुगेदर, देन सच अ रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड टू बी, कि यदि दो प्रस्ताव इस तरह से संबंधित हैं कि वे एक साथ सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे एक साथ गलत हो सकते हैं, तो ये संबंध क्या होता है, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन या सब कॉन्ट्रेरी? ठीक है, तो आपके आंसर सभी के ए आ रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट, हमारा ए ही है, यानी कॉन्ट्रेरी होता है, जो हमने कल पढ़ा था, जैसे कि इधर देखो, जो कॉन्ट्रेरी है क्या होता है, कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, तो ये हमारा कॉन्ट्रेरी होता है ना। तो इस टाइप के भी से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला आ गया समझ सभी को, 23 नंबर क्वेश्चन। यस मैम। मैम एक बार चीज बताइए। अच्छा देखो, हमें बोला ना कि अगर दो प्रपोजिशन इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप किसके बीच का बोला था हमें, कॉन्ट्रेरी था, सब कॉन्ट्रे सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी था, सब अल्टरनेशन था, या सब कॉन्ट्रेरी था? तो इसके लिए ना आपको ये याद करना पड़ना था, जो मैंने आपको बोला था ना कि इनका ये रिलेशन याद करना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो सेकेंड नंबर हमारे पास है, कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, जो है ए और ई का जो रिलेशन है, उसमें बोला है कि इसमें दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमने सॉल्व किया है, जो पिछला वाला था, पिछला क्वेश्चन, वो हमने इससे सॉल्व किया था, इस वाले जो ये डायग्राम सा है इससे सॉल्व किया था, और ये वाला हमने एक्सप्लेनेशन से सॉल्व किया है, कि जो कॉन्ट्रेरी होता है एक वही एकमात्र ऐसा होता है कि इसके जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। हमें दिया गया है, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ, कि सभी छात्र अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और दूसरा है कुछ छात्र अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, यह किसका उदाहरण है, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्रेरी, या नन ऑफ द अबव? कॉन्ट्रेरी ठीक है, सोनी जी बी, बाकी ए बोल रहे हैं सभी। तो क्या है ये, ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव,
ठीक है, फिर है फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ए और ओ के बीच में रिलेशन हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें भी ऐसा ही था कि अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, तो जो ए और ओ का हमारा रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, अभी समझ आया कि जो हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। मैम आप बता रहे हो तो समझ आ रहा है, बट ऐसे में दिक्कत हो रहा है बहुत। याद तो हो गया है, ऐसा ऐसा है करके फिर भी बना नहीं पा रहे हैं। देखो वो ना, आप अगर ऐसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा वो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, याद भी हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा ना ध्यान से देखने पड़ते हैं, जो क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होते हैं ना वो देखने पड़ते हैं। बाकी हम इसके और ज़्यादा क्वेश्चन सैटरडे को करेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए था कि किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो अभी हम नया टॉपिक शुरू करें ना आज, फिर आज जो हमें पढ़ना था। मैंने एक बार 22 क्वेश्चन सिखा दीजिए मैम। 22 कौन सा? का ये वाला? जी, थैंक यू, बता हाँ जी, दीजिए। नहीं ये समझाना है आपको? मैम, देखना था मुझे किस तरह से अच्छा दिया। ठीक है, तो फिर हम, हाँ जी, तो फिर ना हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चन होंगे ना हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के, इमीडिएट इन्फेरेंस के, जो भी हमने इस हफ्ते पढ़ा वो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, तो उस दिन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना, क्योंकि अभी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिखा दिए हैं कि किस टाइप के आते हैं, तो अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के आओगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, के निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के बीच क्या अंतर है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मेक्स अ जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट्स। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अवलोकनों और तथ्यों से सामान्यीकरण करता है, लेकिन जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग यूजेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन नॉलेज और फैक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड कंक्लूजन। लेकिन जो निगमनात्मक तर्क होता है वह एक वैध निष्कर्ष निकालने के लिए उपलब्ध जानकारी, ज्ञान तथा ज्ञान या तथ्यों का उपयोग करता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जो इंडक्टिव है ना वो होता है हमारा, जो हमारा इंडक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, हाँ, पर्टिकुलर टू जनरल। जो इंडक्टिव हमारा जाएगा वो जाएगा पर्टिकुलर टू जनरल, कि एक क्या कर रहे हैं हम, जनरलाइजेशन बना रहे हैं किससे, जो हमारे पास फैक्ट उपलब्ध है या जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जो हमारा डिडक्टिव हो जाएगा वो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी डिडक्टिव हो जाएगा हमारा जनरल टू पर्टिकुलर, कि एक हमारे पास कोई पहले से जानकारी है उसका उपयोग करके हम किसी पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है। इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे डी से है डिडक्टिव हमारा, तो ये होता है डीजीपी से, इसको याद रखना, डीजीपी एक पद होता है ना, तो डीजीपी से याद रखना कि जो हमारा डी है वो जनरल टू पर्टिकुलर है, और आई इसका हमारा उल्टा है, आई हो जाएगा हमारा आईपीजी, पर्टिकुलर टू जनरल। हाँ जी मैम, ये जी डिडक्टिव जो है वो जहां तक मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम, कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है या सामान्य से विशिष्ट की ओर है डिडक्टिव, जी, क्योंकि एक बार आप अभी बोली कि ये पर्टिकुलर से जनरल की ओर है करके, फिर एक बार, तो इंडक्ट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम जो इंडक्टिव डिडक्टिव। है ना, इंडक्टिव है पर्टिकुलर से जनरल,
लेकिन जो डिडक्टिव है वो जनरल से पर्टिकुलर को जाता है हमारा, ठीक है? जैसे यहाँ पे अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट दिया। हाँ जी बोलो। हम उसको दूसरे शब्दों में बोले मैम, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जनरल टू स्पेशल, स्पेशलाइज, जो भी हाँ स्पेशल रहता है जी उस तरह। जी हाँ जी, जो डिडक्टिव है वो सामान्य से विशेष की हो जाएगा हमारा, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? जी मैम। हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग यूजेस अ बॉटम अप अप्रोच, कि आगमनात्मक तर्क नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का उपयोग करता है, क्योंकि हमने देखा कि ये पर्टिकुलर टू जनरल जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है उसके कुछ निश्चित निष्कर्ष होते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन तो पहले से होती है, एक सामान्यीकरण है पहले से हमारे पास है, यानी कि पहले से कुछ है हमारे पास, उसको लेके हम पर्टिकुलर चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है? अब इसका उदाहरण अगर हम देखें इंडक्टिव का, इसमें बोला गया है कि अगर मैं कॉफी नहीं पीता तो थक जाता हूँ, है ना? कॉफी की लत लग जाती है, मुझे कॉफी की लत है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या है, ये बोलता है, अपनी बात लेके चल रहा है कि अगर मैं कॉफी नहीं पीता हूँ ना तो मैं थक जाता हूँ, तो कॉफी की लत लग जाती है, इसका मतलब मुझे कॉफी की लत है, ठीक है? ये हो गया हमारा इंडक्टिव का एग्जाम्पल। और डिडक्टिव का है कि इंसान को जीने के लिए सांस लेने की जरूरत है, आप एक इंसान है तो जीने के लिए आपको सांस लेने की जरूरत होगी। अगर इसको हम इस इन एग्जाम्पल्स को छोड़ दे, सामान्य भाषा में कोई ले, तो अगर डिडक्टिव का हम देखें, तो अगर मैं बोलूं कि जो हमारा MDY के स्टूडेंट्स हैं, MDY के जो स्टूडेंट्स हैं वह सभी सात्विक हैं, ठीक है? वह सभी सात्विक हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इनमें से जो कोई कोई एक हम ले लेते हैं MDY के, मान लो जैसे हमारे पद्मा जी हैं, तो पद्मा जी भी MDY के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब पद्मा जी भी सात्विक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने मान लो MDY के 100 बच्चे हैं, तो एक पहले पूरे बच्चों का हमें एक पता है, ठीक है? एक हमें पूरे बच्चों का पता है कि ये सात्विक है सभी, तो किसी एक बच्चे अगर हम उसमें से निकालेंगे, जैसे मैंने उदाहरण लिया पद्मा जी या सहदेव जी या इच्छा जी, किसी एक को अगर हम निकालेंगे तो वो भी सात्विक होगा, क्योंकि 100 बच्चे हमने जब बोला कि सात्विक है सारे के सारे, तो अगर हम किसी एक को भी उसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वो भी सात्विक हो जाएगा। तो ये हमने हम जनरल से पर्टिकुलर की ओर गए, ठीक है? तो अगर इसका इंडक्टिव का हम एग्जाम्पल लें, तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे जो सुरभि जी हैं वो क्या है, वो सात्विक हैं, सुरभि जी सात्विक है। हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का उदाहरण लिया, ठीक है? पर्टिकुलर व्यक्ति का उदाहरण लिया, फिर हमने क्या बोला कि वो MDY की एक छात्र है, छात्रा है, ठीक है? तो इसका मतलब हमने क्या बोला फिर, कि जितने भी MDY के छात्र छात्राएं हैं वो सभी सात्विक हैं। ये हम कहाँ गए इंडक्टिव में, हम पर्टिकुलर से जनरल की ओर गए, कि हमने एक व्यक्ति का उदाहरण लिया, उसके बारे में पता किया हमने कि ये कैसा है, ये सात्विक है। तो फिर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि वो MDY से बिलोंग करती है, तो वहां में जितने भी मान लो 100 हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो वो सारे सात्विक हैं। और डिडक्टिव इसका उल्टा था कि हमने पूरे बच्चों को पहले देखा, 100 के 100 बच्चे हमें पता है वो सात्विक प्रकृति के हैं सारे, ठीक है? तो किसी एक को अगर हम उसमें से चुनेंगे, चाहे कोई भी होगा, तो वो भी सात्विक ही होगा, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारा डिडक्टिव है वो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, और जो इंडक्टिव है वो पर्टिकुलर टू जनरल होता है, ठीक है? समझ आया? क्लियर हो गया ना सभी को डिफरेंस क्या है? इतना सा ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है? ये इतना था, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हम देखेंगे वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम क्या होता है, उससे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम्स के पहले डेफिनेशन देखते हैं। वेन डायग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग गिवन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। वेन आरेख का उपयोग तत्वों के दिए गए समूहों के बीच तार्किक संबंध को देखने के लिए किया जाता है, कि कोई हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, उनके बीच का कोई संबंध है, उसको अगर हमें जांचना है, देखना है कि क्या रिलेशनशिप है, उसको देखने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे सबसे पहला ये है हमारा, क्या है सबसे पहला, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी सार्वभौमिक सकारात्मक। तो
उदाहरण हमने लिया ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा? मेन अंदर आ जाएगा, ऑल मेन सारे मेन है ना, तो ये मेन हमारे अंदर आ गए, ठीक है। सारे मेन क्या है? सारे मेन ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट का बाहर गोला आ जाएगा हमारा, इसको हम एच से लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बनाया गया है कि सारे मेन है, सभी की बात हो रही है ना, तो वो अंदर आएंगे, ये अंदर आ गए हमारे सारे मेन, ठीक है। अब क्या है, सभी क्या है, क्या क्वालिटी उनकी बताई है? कि वे ईमानदार है, तो ईमानदारी वाला जो सर्कल है वो बाहर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव का वेन डायग्राम। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, यहाँ पे अगर हम बोले कि ऑल टेबल आर फर्नीचर, तो ऑल टेबल आर फर्नीचर, तो हम टेबल वाला जो सर्कल है उसको अंदर बनाएंगे। ऑल टेबल है ना, सारे टेबल्स की बात की जा रही है, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, और फर्नीचर हो जाएगा हमारा बाहर वाला सर्कल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम बनाते हैं ये होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला, ठीक है, समझ आया? यस बनाना, यस हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका भी यही उदाहरण लिया है, नो मैन आर ऑनेस्ट, कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल लेंगे अलग अलग, एक मैन वाला है एक ऑनेस्ट है, दोनों के बीच लाइन खींच के बीच से क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच ना कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, कि किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है इनका आपस में। अगर हम वही उदाहरण लें कि सभी जो मेज है वह फर्नीचर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सभी टेबल, ऑल टेबल, ठीक है, ये फर्नीचर वाला हो गया हमारा। तो अगर हमें को बोलना है कि इनमें कोई भी संबंध नहीं है, तो बीच में एक लाइन खींच के उसको हम काट देंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, यानी ये है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर सभी को, मैम ठीक एक बार है, और फिर से समझा दीजिए। ठीक है। देखो ये है ना कि कोई संबंध नहीं है हमारा, नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई भी आदमी ईमानदार है, कि कोई भी जो हमारा कह सकते हैं कि कोई भी सेब लाल नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, ये हमने बना दिया एप्पल का, कि कोई भी सेब क्या नहीं है, लाल नहीं है, तो इसके जो हम सर्कल है वो दूर दूर रखेंगे, ये रेड हो गया, ए मीन्स एप्पल, आर रेड, कि कोई भी सेब लाल नहीं है। तो इनका रिलेशन अगर हम ऐसे दूर दूर रखें ना, तो थोड़ा वो समझ नहीं आता है, डाउट सा रहता है, तो क्या करेंगे, बीच में लाइन खींच के दोनों के आपस में उसको क्रॉस कर देंगे, उसमें कांटा लगा देंगे कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई भी जो सेब है वह लाल नहीं है, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? जी मैम, हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, विशेष सकारात्मक। इसमें है सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी ईमानदार है। अब कुछ है, पहला तो जो हमने देखा था वो था बिल्कुल जुड़ा हुआ, ये देखो ये अंदर था, इसके मैन अंदर थे, ऑनेस्ट बाहर था, क्योंकि सारे मैन ऑनेस्ट थे हमारे, इसमें कोई भी नहीं था, नो मैन आर ऑनेस्ट। अभी बोल रहे हैं कि कुछ आदमी ईमानदार होते हैं। फिर हम ऐसे दो सर्कल बना लेंगे उनको आपस में जोड़ के, तो ये जो बीच वाला पोर्शन बच गया ना, ये है वो, कि कुछ जो आदमी है वो ईमानदार है, जो बीच का पोर्शन बच गया, थोड़ा थोड़ा इसको आपस में जोड़ लेंगे, पूरा भी नहीं जोड़ना है, जैसे हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव के लिए जोड़ा था, या ये जैसे यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए बिल्कुल अलग रखा था, वैसे दूर भी नहीं रखना है, ठीक है। अगर हम बोले कि सारे कुछ फल कुछ सॉरी कुछ जो सेब है वह लाल है, ये हो गया हमारे सेब, ठीक है। अब कुछ है ना, तो थोड़ा सा पोर्शन ऐसे जोड़ लेंगे इसको, कुछ जो फल है वो लाल है, कुछ सेब लाल है, तो ये जो बीच का हमारा बच गया, ये वो है जो कुछ सेब वो लाल, ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। इतना सा ये हो जाएगा हमारे किसके लिए, पर्टिकुलर पॉजिटिव के लिए, यानी विशेष सकारात्मक के लिए। ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सभी को। यस अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी विशेष नकारात्मक।
कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, तो इसका ना कोई वेन डायग्राम बनता नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है या डाउटफुल होता है, क्योंकि इसका हम बना ही नहीं सकते कि अगर हम पिछले वाला, ये वाला जो हम देख रहे थे, ये था पर्टिकुलर पॉजिटिव कि कुछ है, अब कुछ नहीं है उसका वेन डायग्राम बनता ही नहीं है, तो वो हम क्या रखते हैं, वो उसको हम मानते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कि उसको हम नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि वो कैसा बनेगा, ये उसमें डाउट है। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देख ले एक बार, फिर आपको समझ आए कि कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अभी, हमके क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। आसान है, पढ़ना बस ध्यान से, है ना। हमें बोला है कि हमारे पास दो प्रीमाइसेस दिए गए हैं और बहुत सारे कंक्लूजन निकाले गए हैं। अब क्या करना है कि जो वाले कंक्लूजन वैलिड है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रीमाइसेस दिए गए हैं दो। पहला है ऑल जजेस आर लॉयर्स, सभी न्यायाधीश वकील हैं। दूसरा है नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स, कोई डॉक्टर वकील नहीं है। चार कंक्लूजन है, पहला नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, कोई भी वकील डॉक्टर नहीं है। दूसरा नो डॉक्टर्स आर जजेस, कोई भी डॉक्टर जज नहीं है। तीसरा ऑल लॉयर्स आर जजेस, सभी वकील न्यायाधीश है, या डी सम डॉक्टर्स आर जजेस, कि कुछ डॉक्टर जज है। अब क्या करना है, जो कोड दिए गए हैं, अब हमें कोड पता लगाना है कि कौन सा सही है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे हवा में नहीं सोचने लगना इसको, पेपर दिया होता है जो आपके पास, पेन होगा साथ में, उससे बनाना। कैसे बनाना अभी मैं सिखाती हूँ। तो पहला प्रीमाइस का हम बनाएंगे ऑल जजेस आर लॉयर्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा ऑल जजेस, तो ऑल जजेस है यानी जज हमारे छोटे सर्कल में, अंदर वाले सर्कल में, और लॉयर हमारा बाहर वाले सर्कल में। ठीक है, तो ये जे मीन्स जज हो गए हमारे, ठीक है, एल मीन्स लॉयर हो गए। और इसको अभी भी बनाओ, अपनी नोटबुक में बनाओ, खुद से बनाओ ताकि समझ आए। ठीक है, क्या हमने बनाया, हमने पहले का बनाया, क्या बनाया कि सभी जो न्यायाधीश है वह वकील है, यानी ऑल जजेस आर लॉयर्स। तो हमने क्या किया, ऑल जजेस, सारे जज लॉयर है ना, तो जज हमारे अंदर आ जाएंगे और लॉयर हमारे बाहर आ जाएंगे। दूसरा है नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स, के कोई भी डॉक्टर वकील नहीं है, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। तो डॉक्टर को बनाओ फिर यहाँ पे साइड में, ये बन गए हमारे डॉक्टर। क्या है कि कोई भी जो हमारा डॉक्टर है वो वकील नहीं है, तो नहीं है, तो लो जी फिर इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इतना मुझे बताओ, इतना समझ आया ये हमने वेन डायग्राम कैसे बनाया, प्रिमाइस वन और प्रिमाइस टू का। यस मैम। ठीक है, मतलब समझ आ गया। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला हमें दिया है कि ये देखना है हमें कि ये सही है कि गलत है, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, डॉक्टर का गोला यहाँ है और लॉयर का यहाँ है, यानी ये बोल रहे हैं कि कोई भी लॉयर डॉक्टर नहीं है, दोनों के बीच में कट लगा है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये सही बोला है इन्होंने। ठीक है, दूसरा बोला है कि नो डॉक्टर्स आर जजेस, कोई भी डॉक्टर जज नहीं है, तो दूसरा क्या है, नो डॉक्टर्स, नो डॉक्टर्स आर जजेस। तो ये देखो, डॉक्टर यहाँ है, जज यहाँ है, तो इनके बीच में भी ये क्रॉस है, यानी इसके बीच का भी कोई रिलेशन नहीं हमें दिख रहा है, दूसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इससे आंसर तो वैसे हमारा निकल गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं बाकी को देखना भी आपको सिखा देती हूँ कि बाकी दो अगर देखने तो वो कैसे देखने हैं। तो वो ऐसे देखने हैं कि तीसरा हमारे पास है ऑल लॉयर्स आर जजेस, तो ऐसा भी नहीं है सारे लॉयर जज नहीं है। अगर सारे लॉयर जज होते ना, तो लॉयर का सर्कल अंदर बनता, ये एल है, और जजेस का सर्कल बाहर बनता, ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। हमारे पास क्या दिया गया है, ऑल जजेस आर लॉयर्स, जज है सारे जो लॉयर है, ना कि लॉयर सारे जज है। इन दोनों को
ऐसे मत सोचना कि अगर सारे जज हमें लॉयर दिए गए हैं तो सारे लॉयर भी जज होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर सारे लॉयर जज होते ना तो ऐसा सर्कल बनता, लॉयर वाला अंदर बनता और जज बाहर बनता, तो ये भी हमारा कैंसल हो जाएगा, सी वाला भी नहीं है। फिर है सम डॉक्टर्स आर जजेस, के कुछ डॉक्टर जज है, तो ये देखो जज यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है। सम अगर ये होता तो इसका सर्कल ऐसे बनता कि सम जजेस आर डॉक्टर्स, तो ऐसा यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, तो ये हमारा ये भी कैंसल हो गया। आंसर हमारा पहले ही आ गया था ऑप्शन बी, कि ए और बी करेक्ट है, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो डॉक्टर्स आर जजेस। अब मुझे बताओ समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन को। मैम दूसरे एग्जांपल से समझा दो एक बार और। अच्छा जी ठीक है, पीछे देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ध्यान से देखना ना, हमारे पास बोला गया है, हमें बोला है, इसमें क्या दिया गया है हमें, इसमें हमें दो प्रिमाइसेस दिए गए हैं। सम फ्लावर्स आर रेड, यानी कुछ फूल लाल हैं, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सभी गुलाब फूल हैं। चार ऑप्शन है, सम रोजेज आर रेड, सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रोजेस, ऑल रोजेज आर रेड। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, कि मान लो ये हमें पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो देखो सम फ्लावर्स आर रेड, ये हो गए हमारे फ्लावर, ये हो गया हमारा रेड, ये इसका रिलेशन समझ आ गया बीच का, कि सम फ्लावर्स आर रेड। फिर है ऑल रोजेज आर फ्लावर, तो रोजेज वाला जो सर्कल बनेगा ना वो फ्लावर के अंदर बनेगा, ठीक है। ये आर, ये वाला आर हमारा रेड है, ये वाला आर रेड है, और ये वाला आर हमारा रोज है, ठीक है, ये वाला आर रोज है। समझ आया, ये गंदा सा लिखा मैंने लेकिन समझ आया ये कैसे बनाया। बता दीजिए समझ आया वेन डायग्राम, ये फिर से अच्छे से बनाऊं? एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा देखो, हमें बोला है पहले ये वाला बनाते हैं, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, यानी जो रोज है वो सर्कल अंदर बनेगा, फ्लावर उसके बाहर बनेगा, क्योंकि सारे जो रोज है वो क्या है हमारे फ्लावर है, ठीक है। ये हो गया एक। फिर है सम फ्लावर्स आर रेड, कि कुछ फ्लावर है वो क्या है हमारे रेड है, तो ये हमने बना दिया रेड का सर्कल। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रेड है और ये आर वाला रोज है। अब समझ आया, इतना वेन डायग्राम समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब हमें देखना है, अब बोलते हैं कि सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड, कि कुछ जो गुलाब है वह लाल है, ऐसे बोल रहे हैं ये, है ना। तो कुछ जो गुलाब है वह लाल नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये फ्लावर वाला है रेड के साथ, जो रोज वाला है वो हमारा अंदर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि रेड वाला जो सर्कल है और जो रोज वाला जो सर्कल हमारा बना है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये सर्कल दूर दूर है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर आता है सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, कि कुछ लाल चीजें फ्लावर है, तो हाँ वो है, सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, है ना, लाल चीज ये है, फूल ये है, बीच में इनके रिलेशन ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, कि सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, तो ये हमारा बी हमारा सही हो गया, ठीक है। फिर है सम फ्लावर्स आर रोजेस, कि कुछ जो फूल है वो रोज है हमारे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी सही आ रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा ना कि ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, तो वो गलत होता, क्योंकि कुछ भाग तो आ रहा है ना इसमें भी, फ्लावर और रोज वाला जो है, ठीक है,
तो ये हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ऑल रोजेज आर रेड, तो रोजेज और रेड फिर से कोई रिलेशन नहीं है इनका, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आए ये वाला क्वेश्चन अभी? यस मैम। यस ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर पाओगे ना, अगर आपको वेन डायग्राम डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा बनाने को, तो पेपर में कर लोगे ना सॉल्व कि कैसे करेंगे उसको? ठीक है, तो ये हमने देखा अभी जब जो हमने देखा, अब कुछ नया और देखते हैं। दो चीजें हमने देख ली, एक हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच डिफरेंस देखा, और हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा। बाकी जो और ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे इसके, वो सैटरडे को। अब हमारा अगला टॉपिक है फैलेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं पक्का, तो उसको ध्यान से समझना है ना। फैलेसी को हम हिंदी में बोलते हैं हेतुआभास। तो होती क्या है ये? अ फैलेसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग और रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कि भ्रांति और हेतुआभास एक ही बात है ये, ठीक है। हेतुआभास या भ्रांति किसी तर्क के निर्माण में अमान्य या अन्यथा दोषपूर्ण तर्क या गलत कदम का उपयोग है। कि अगर कोई हम आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम इनवैलिड क्या कहते हैं, कोई इनवैलिड चीज यूज कर रहे हैं या फॉल्टी रीजनिंग हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो सारी चीजें आती है हमारी, वो हेतुआभास बन जाता है, फिर एक फैलेसी बन जाती है वो एक, ठीक है। तो वो दो प्रकार की होती है, जो हमारा हेतुआभास होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा फॉर्मल फैलेसी, है ना, जिसको हम औपचारिक हेतुआभास बोलते हैं। फॉर्मल फैलेसी रेफर्स टू आर्ग्यूमेंट्स दैट हैव एन इनवैलिड स्ट्रक्चर और फॉर्म। औपचारिक भ्रांति उन तर्कों को संदर्भित करती है जिसकी संरचना या रूप अमान्य है, इनवैलिड है जिसकी संरचना या रूप, ठीक है। तब इसका उदाहरण देखते हैं, इसमें है ऑल यूरोपियंस आर क्रिश्चियन, सभी जो यूरोपीय है वह ईसाई है, प्रीमाइस वन। प्रीमाइस टू है ऑल रशियन आर क्रिश्चियन, सभी रूसी ईसाई है, ठीक। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल रशियन आर यूरोपियंस, के सभी रूसी यूरोपियन नहीं है, सॉरी सभी रूसी यूरोपियन है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो ये जो इसका एक स्ट्रक्चर बन गया वो इनवैलिड बना। कैसे? कि अगर हम इन दोनों को सही भी मानते हैं कि हमारे सारे यूरोपियन है क्रिश्चियन है, ठीक है, रशियन भी क्रिश्चियन है, लेकिन कंक्लूजन जो हमारा निकला वो तो गलत आया ना, ये फैलेसी बन गई कि सारे रशियन यूरोपियन नहीं हो सकते, यूरोप अलग है, रशिया अलग है, ठीक है। तो ये एक फैलेसी बन गई, ये होती है हमारी फॉर्मल फैलेसी, ठीक। फिर आती है हमारी इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी रेफर्स टू द आर्ग्यूमेंट्स दैट हैव इनकरेक्ट और इररिलेवेंट प्रीमाइसेस। इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, जिसमें गलत या अप्रासंगिक आधार होते हैं, है ना। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, इक्विवोकेशन या फिर एम्बिग्विटी जिसको बोलते हैं, गोलमोलता या अस्पष्टता होती है इसमें, है ना, इनफॉर्मल फैलेसी में। उदाहरण, अ फेदर इज लाइट, कि एक पंख जो होता है ना, फेदर पक्षी का पंख हो गया, वो हल्का है। लाइट थिंग्स कांट बी डार्क, कि प्रकाश युक्त चीजें अंधेरी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो लाइट था वो हमारे हल्केपन से था, कि जो वेट है वो बहुत हल्का है उसका, लेकिन जो हमने दूसरा प्रेमाइस लिया ना, वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हम पहले हमने जिस लाइट की बात थी की वो था हल्का, लेकिन जो दूसरा लाइट है वो हमने लाइट लिया प्रकाश वाला लाइट, प्रकाश जो होता है ना, हमने वो ले लिया। फिर इसका कंक्लूजन तो वैसे ही गलत आ गया कि इफ अदर इफ अदर कैन नॉट बी डार्क, कि इसलिए एक पंख काला नहीं हो सकता। तो ये जो यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल फैलेसी में, इसमें हमारी अस्पष्टता आ गई, क्योंकि यहाँ पे दोहरा अर्थ निकल गया, हमने एक शब्द का दो अर्थ निकाल लिए। पहले हमने जो लाइट लिया, फेदर इज लाइट, वो था कि पंख हल्का होता है, फिर हमने बोला लाइट थिंग्स कांट बी डार्क,
तो ये वाला लाइट जो हमने लिया वो पंख वाला लाइट नहीं लिया, हमने समझ लिया प्रकाश की जो लाइट है, प्रकाश युक्त चीजें अंधेरी नहीं हो सकती, तो हमारा कंक्लूजन वैसे ही गलत आ गया कि एक पंख काला नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ आया ये वाला? बता दीजिए समझ आया या नहीं समझ आया। मैम ये गलत तब होगा जब एक ही सब्जेक्ट के दो, सॉरी एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलेंगे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे अस्पष्ट हो रही है ना चीजें कि दोहरा अर्थ निकाला जा रहा है एक ही शब्द का। हाँ जी, तो उसका हमारा कंक्लूजन भी ऑटोमेटिकली गलत आ रहा है फिर। ठीक है, हेलो तो हाँ जी बोलिए। मैम ब्रेक हो रही थी आपकी वॉइस। सभी को ब्रेक हो रही है? नहीं शायद मुझे ही हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है मैम। अच्छा ठीक है, बाकी जो ये वेस्टर्न फैलेसीज है ये ना हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो आज बहुत हो जाएगा। आज जितना पढ़ा है वो मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको। ठीक है, तो हमने पहले तो क्वेश्चन देखे अपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, फिर हमने देखा डिफरेंस डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच में। तो जो हमारा इंडक्टिव होता है वो होता है हमारा पर्टिकुलर टू जनरल जो जाता है, और डिडक्टिव रीजनिंग हमारा जाता है जनरल टू पर्टिकुलर। उदाहरण हमने बहुत अपनी क्लास का ही लिया था डिडक्टिव में कि जनरल टू पर्टिकुलर है, जनरल लिया हमने पहले पूरे बच्चे लिए, पूरे बच्चे को हमने बोला कि सारे MDY के बच्चे सात्विक है। ठीक है, हमने ऐसे बोला। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? और वॉइस भी ब्रेक हो रही है। हो रही है। ठीक है, सुना लीजिए, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, है ना। तो डिडक्टिव में क्या बोला था हमने, जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा है, हमने बोला था कि सारे हमारे जो बच्चे हैं MDY के सभी सात्विक हैं। तो हमने कि कोई एक स्टूडेंट को निकाल लिया, हमने बोल दिया योगेश जी, तो योगेश जी भी MDY के स्टूडेंट है, मतलब योगेश जी भी सात्विक हो गए फिर। ठीक है, इतनी सी बात, जनरल से पर्टिकुलर की ओर जा रहे हैं, एक बहुत सारे लोगों से एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं, विशेष की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है दूसरा जो हमारा है इंडक्टिव, वो हमारा पर्टिकुलर टू जनरल है। अब इसमें हमने क्या उदाहरण लिया कि पद्मनी जी हमारे जो MDY की स्टूडेंट है वह एक सात्विक व्यक्ति है, पद्मनी जी सात्विक व्यक्ति है तो वो MDY की स्टूडेंट है। इसका क्या मतलब हमने निकाला कि MDY में अगर उनके अलावा 99 बच्चे और हैं तो वो सभी सात्विक है। फिर हमने एक विशेष व्यक्ति से एक पूरी थ्योरी बना दी कि एक पद्मनी जी हमारी सात्विक है, फिर हमारे MDY के बाकी जो बच्चे बच गए उनके अलावा वो सभी सात्विक है। ठीक है, इतनी सी बात थी। फिर हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा, यूनिवर्सल पॉजिटिव का कैसे बनाते हैं। यूनिवर्सल पॉजिटिव में उदाहरण लिया सभी आदमी ईमानदार है, तो आदमी को हम अंदर ले लेंगे, सभी आदमी ईमानदार है, ईमानदारी का सर्कल बाहर से बनाएंगे क्योंकि सभी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा बनता है यूनिवर्सल नेगेटिव का, उसमें क्या होता है नो मैन आर ऑनेस्ट, यानी दोनों सर्कल को अलग करके उसमें बीच में क्रॉस लगा लेंगे कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपस में। फिर हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है, यानी इसमें कुछ चीजें हैं तो इसके लिए हम सर्कल्स को थोड़ा ऐसे साथ में बना के जो बीच का जो हिस्सा बच जाएगा वो आ जाएगा हमारा कि कुछ जो आदमी है वे ईमानदार है। पर्टिकुलर जो नेगेटिव है वो क्या है, वो डाउटफुल या अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि उसका हम एग्जैक्ट ना वेन डायग्राम उसका बनता है, तो वो हम क्या करते हैं वो ऑब्जर्व हमें करना पड़ता है। ठीक है, वो डाउटफुल ही रहता है हमेशा, इसका कोई डायग्राम नहीं बनता। फिर हमने इसके क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने फैलेसी आज स्टार्ट की नई, हेत्वाभास क्या होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि कोई आर्गुमेंट होता है जिसका इनवैलिड स्ट्रक्चर या फॉर्म होता है, जैसे हमने उदाहरण लिया था कि सारे यूरोपियन क्रिश्चियन है, सभी रशियन भी हमारे क्रिश्चियन है, तो हमने क्या निकाला कि सारे जो रशियन है वो यूरोपियन है, जो कि गलत हमारा निकला। तो ये एक फैलेसी हो गई, ये हमारी फॉर्मल फैलेसी है, यानी जिसका स्ट्रक्चर इनवैलिड होता है, इनवैलिड स्ट्रक्चर, ये इसका कीवर्ड है, याद रखना। फिर है इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी में इनकरेक्ट या इरेलीवेंट प्रीमाइसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये हमने इसके कीवर्ड रखे हैं, ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, गोलमोलता या अस्पष्टता, है ना। कि जैसे हमने यहाँ पे लिया था एक पंख हल्का है और हमने लाइट
का दूसरा मतलब निकाल लिया यहाँ पे, तो वो हमने क्या बोला कि लाइट थिंग्स कांट बी डार्क, कि जो प्रकाश युक्त चीजें अंधेरी नहीं हो सकती, तो हमारा कंक्लूजन गलत आ गया कि पंख काला नहीं हो सकता। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने आज पढ़ी, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए, ये क्लियर है सभी को? ठीक है जी, मैम ये पूछना था, जैसे अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे मैम ए ई आई ओ, और ये जो वेन डायग्राम है, तो क्या हम वो जो ए ई आई ओ का जो आंसर है उसको वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं? नहीं, वेन डायग्राम के आपके वैसे ही आएंगे, जैसे हमने वो पढ़ा था ना ऑल रोजेज आर रेड, कि आपको वो दो प्रिमाइस दिए होंगे और बहुत चार जी पांच कंक्लूजन दिए होंगे, तो उसमें से आपको जो बिल्कुल करेक्ट होगा ना वो निकालना पड़ेगा, वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। हम लोग जो अभी पिछले 2 दिन में पढ़े थे मैम ए ई आई ओ, तो क्या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? उसका कैसा क्वेश्चन आएगा? जो पिछले हमने पढ़े थे ना उसका, हमने जैसे क्वेश्चन हाँ देखे थे हाँ उसके क्या देखे थे, उसके हमने ये देखा था कि ई किसको डिनोट करता है या आई किसको अच्छा डिनोट करता है, हाँ उसके इस टाइप के आएंगे। बाकी जो ये वाला है हमारा, इसमें हमें जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा वेन डायग्राम से ही, वो आपको पता चल जाएगा कि किस वाले में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? जी ठीक है, तो अभी तेजस जी आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए आज की। तेजस्वी आप सुन पा रहे हैं? मैं आज मतलब थोड़ी बीमार हूँ तो अच्छा कोई बात नहीं, कौन करवाएंगे, हैंड रेज कीजिए। पद्मा जी आप करवा दीजिए। मैं करवा देती।